नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदार इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्त। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PMYNI। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, जी हाँ दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। और ये आखिर क्यों हमारे देश में लॉन्च किया गया, आखिर इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में पूरी करेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि इसका नाम है प्रधानमंत्री वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, इसका मतलब है गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। कुछ ऐसे तीन तरह के टर्म्स हैं जो इसमें लॉन्च की गई है, जैसे PDO और PDOA और ऐप प्रोवाइडर। ये PDOA और ऐप प्रोवाइडर क्या है, पूरी स्टोरी जानने से पहले PMYNI क्या है, क्यों लॉन्च किया, उसके पीछे एक डाटे को एनालिसिस कर लेते हैं भी हमारे इंडिया में कितने हॉटस्पॉट राउटर हैं और हम इंडिया में फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट जोन या पेड वाईफाई हॉटस्पॉट जोन में कितने नंबर पे आते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में बात की जाए तो सबसे ज्यादा यूरोपियन कंट्री में वाईफाई हॉटस्पॉट अवेलेबल हैं, जिसमें रशिया जो है नंबर वन पे आ जाता है, जहां पे फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगे हैं बहुत ज्यादा। और उस तरह से बात की जाए, अगर CDAT की वेबसाइट में खुद उन्होंने बकायदा 2016-2017 की उन्होंने जो फॉर्म रखा है वहाँ पे लिखा गया है, भी फ्रांस में 13 मिलियन वाईफाई हॉटस्पॉट अवेलेबल थे और US में लगभग 10 मिलियन वाईफाई हॉटस्पॉट अवेलेबल थे। तो हम इंडिया बहुत पीछे थे, हमारे पास लगभग अगर हम बात की जाए तो अभी करंट जो है 0.35 मिलियन जो है हमारे पास अभी हॉटस्पॉट है, तो हम बहुत पीछे हैं। और एवरेज पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो फ्रांस सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट प्रोवाइड करने वाली कंट्री है, जिसमें लगभग 2.8 की दर से जो है पर यूजर के हिसाब से जो है वहाँ पे हॉटस्पॉट राउटर मिल जाता है। इनकी सिर्फ 3 लोगों के बीच में जो है एक हॉटस्पॉट राउटर अवेलेबल है। तो वहाँ पे इंडिया की जो रेशो है वो आपको मैं बताना चाहूंगा। इंडिया में पर यूजर के हिसाब से एक हॉटस्पॉट राउटर लगभग 39,723 जो है नंबर, इतने लोग होंगे तब जाके एक हॉटस्पॉट मिलता है। तो इस तरह से मतलब काउंटिंग है। और अगर बात की जाए USA की तो वहाँ पे 5.8 पर यूजर के हिसाब से एक हॉटस्पॉट पाया जाता है, यानी कि है वहाँ। पूरे वर्ल्ड की कैलकुलेशन की बात की जाए तो लगभग 454 मिलियन पूरे वर्ल्ड में हॉटस्पॉट वाईफाई जोन है। और हम बात करते हैं स्पीड की, तो लिथुआनिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे पब्लिक फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट में स्पीड की बात की जाए तो लगभग 14 Mbps की अपलोड और 15 Mbps की डाउनलोड वहां पे मिलती है। तो वहीं पे बात की जाए USA की तो लगभग वहां पे 6.89 की डाउनलोडिंग और अपलोडिंग 4.37 की है। और सिंगापुर में अगर बात की जाए तो लगभग 9.49 और अपलोडिंग है 5.41। तो ये एवरेज स्पीड है, तो इंडिया का तो इसमें नाम ही नहीं है। इस तरह से जो है स्पीड और सारे हॉटस्पॉट की हमने स्टोरी बताई। तो अब गवर्नमेंट के पास ये मजबूरी रह जाती है भी हाँ भी हमें भी इस रेस में शामिल होना है, भी हमारे देश में हम पब्लिकली कितने वाईफाई हॉटस्पॉट जोन क्रिएट करते हैं या प्रोवाइड कराते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया PMYNI, जो कि हमारे को रजिस्टर करना पड़ता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमें क्या करना पड़ेगा, CDAC या DOT की वेबसाइट है, वहां पे PMYNI में जाके हम रजिस्टर करेंगे, एज अ PDO रजिस्टर करेंगे पब्लिक डाटा ऑफिस के हिसाब से। इसका मतलब यह है भी हम एलिजिबल हो जाएंगे, जो हम वहां पे एरिया डालेंगे अपना उस हिसाब से हम उस एरिया में एक वाईफाई जोन क्रिएट करने के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे और इसके लिए हमारे को कोई भी फीस चार्ज नहीं करनी है। लेकिन बात की जाए अगर हमें डिवाइस कहाँ से मिलेगा, इंटरनेट की कहाँ से मिलेगा, वो हम बाद में डिस्कस करें। पहले हम जो तीनों टर्म है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे PDOA, जो कि मैंने आपको बताया पब्लिक डाटा ऑफिस, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाके रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे जो है आपको ऑथेंटिकेशन हो जाएगी भी आप आगे वाईफाई जोन या वाईफाई हॉटस्पॉट आगे प्रोवाइड करा सकते हैं लोगों को। उसके बाद दूसरा है PDOAA, पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर। जी हाँ दोस्तों, ये एग्रीगेटर क्या करेंगे, इनको एक्चुअली में पूरी ऑथेंटिकेशन मिलेगी भी, वो एक हार्डवेयर प्रोवाइड कराएंगे। अगर मान लो मैं PDO कर लेता हूँ और मुझे PDOA से कांटेक्ट करना है तो PDOA वाला मेरे को जो है हार्डवेयर प्रोवाइड कराएगा, उस हार्डवेयर को मतलब PDOA वाला ऐप प्रोवाइडर से, जो थर्ड टर्म है ऐप प्रोवाइडर, उससे जो है कॉन्फ़िगर कराएगा भी किस तरह से जो है हमारा पेमेंट साइकिल चलेगा, किस तरह से जो है गवर्नमेंट ने पूरा एक टर्म एंड कंडीशन पूरा ही ग्राफ जो है टोकन प्लस UPI पेमेंट किस तरह से करनी है, किस तरह से ऑथेंटिकेशन होगी, किस लोकेशन को कैसे जो है हर ट्रांजेक्शन के ऊपर जो डाटा उनको चाहिए वो सारा ही मतलब जो है पूरा डाटा उन्होंने अपने PDF में दिया हुआ है। तो उस तरीके से जो है प्रोवाइडर जो है ऐप लॉन्च करेगा अपनी और PDOA वाला उस ऐप के थ्रू जो है उस हार्डवेयर को मतलब कम्युनिकेट कराएगा, उस ऐप और उस हार्डवेयर के साथ कॉम्बिनेशन करके सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा और PDO जो वाले हैं वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है कंबाइंड रूप से यूज करके एक जोन में इस सर्विस को लॉन्च करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि PDO वाले को PDOA से कॉन्टेक्ट करना है और इन सब का डाटा जो है हमारे को CDAC की DOT की वेबसाइट में मिल जाएगा, PMYNI की वेबसाइट में मिल जाएगा। तो हमें अगर PDO से कॉन्टेक्ट करना है तो हम अपने इलाके के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से या जहाँ पे भी आप इंडिया में कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं कंपनी की लिस्ट है वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उनसे हम हार्डवेयर ले सकते हैं और वहाँ से उन्होंने ऐप वगैरह जो है प्रॉपरली उसमें सॉफ्टवेयर को बना दिया हुआ है, जिसको हम अपने पहले मेन एक एक्सेस पॉइंट उनका लेंगे ताकि जो है उससे हम ऑथेंटिकेशन करवा सकें बाकी एक्सेस पॉइंट को। तो ये एक चैप्टर रहा पहले हार्डवेयर प्रोवाइड कराने का, PDO को PDOA से कॉन्टेक्ट करना है और वो हार्डवेयर लेके अपने मेन
राउटर को जो है लॉन्च करना है, यानी कि एक्सेस पॉइंट को शुरू करना है, यानी कि मेन हार्डवेयर जो है उनका ऑथेंटिकेशन लेवल का वो मेन सर्वर वो रहा। उसके बाद बात की जाए एक्स्ट्रा राउटर्स की, तो एक्स्ट्रा राउटर हम अपने लेवल पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का इसमें चैनल है, गवर्नमेंट ने बकायदा लिखा है भी इस पीएम वाणी में 2.4 फ्रीक्वेंसी को हम यूज करेंगे और उसको जो है हम अलग से जो है अलग से 3-4 और वाईफाई क्रिएट कर देंगे और सेम नाम जो है और चलेगा और उसमें ऑथेंटिकेशन उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू होगी। और बात की जाए अगर प्लान्स की, जो आप अपने हिसाब से आप लॉन्च कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसा इसमें गवर्नमेंट ने कोई भी कुछ मतलब जो है इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं दी है भी इतने रुपए के हिसाब से आपको प्लान लॉन्च करना है, इतने जीबी पर डे के हिसाब से आप अपने हिसाब से प्लान्स बना सकते हैं भी पर डे के हिसाब से इतने पैसे लेने हैं या पर वीक के हिसाब से लेने हैं या पर मंथली बेसिस के लेने हैं, लेकिन पेमेंट का जो मोड है वो एडवांस रहता है इसमें और उसमें ऑथेंटिकेशन होती है, उसके बाद जो है इंटरनेट चलता है। जैसे हम एक जगह पे जाते हैं ना और वहां पे हम वाईफाई को कनेक्ट करते हैं, ये वाईफाई नॉर्मली ओपन रहेगा, उसके बाद कनेक्ट करने के बाद जैसे ही हम अपना उसमें ओटीपी डालेंगे या फिर ऑथेंटिकेशन करेंगे और प्लान खरीदेंगे उसके बाद जो है हमारा डाटा प्लान शुरू होगा। तो इस तरह से कुछ है सिस्टम, यानी कि पीडीओ को पीडीओए से कनेक्ट करना है और पीडीओए वाले जो है ऐप प्रोवाइडर मिला के दोनों मिलके जो है एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराएंगे और इस तरह से हम जहां जहां पे लगाना चाहते हैं अपना एक जोन बनाना चाहते हैं ये प्रॉपरली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम जो है ये सर्विस ले सकते हैं। पहले जो है हमें एक आईएसपी बनने के लिए लगभग बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते थे, बहुत ज्यादा हार्डवेयर की कॉस्ट आती थी, बट आज की डेट में गवर्नमेंट ने टोटली इसको जो है बहुत कम से कम दरों में रख दिया है, तो बहुत अच्छी चीज है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया भी डिवाइस कहां से मिलेगा आपको और साथ में मैंने ये भी बता दिया आपको भी कैसे ये सिस्टम चलता है और पैसा कैसे आता है और आपको सीडेक की वेबसाइट में पीडीओ पीडीओए और ऐप प्रोवाइडर के पूरी डाटा मिल जाएगा। मतलब अगर मैं अपने एरिया में चाहता हूं भी मुझे पता लग जाए भी हॉटस्पॉट है कहां पे है, जैसे सीएससी सेंटर हो गए या लोकमित्र केंद्र हो गया या ऐसे गवर्नमेंट के छोटे मोटे ऑफिस किराना वाले या कोई भी जो है आप कोई भी कहीं पे भी घर से या किसी भी अपनी शॉप से इस सर्विसेज को शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आप गांव में हो चाहे जहां मर्जी हो भारत में, आप अपने लेवल पे पीडीओ में रजिस्टर करा के पीडीओ से कॉन्टेक्ट करके हार्डवेयर लेके शुरू कर सकते हैं। बाकी बात की जाए तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है ताकि आप किस तरह से वाईफाई जोन क्रिएट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा दूर तक वाईफाई पहुंचा पाएंगे, लोगों के घर तक वाईफाई पहुंचा पाएंगे या उनको सर्विस दे पाएंगे पर मंथ के हिसाब से या पर डे के हिसाब से या पर जीबी के हिसाब से, जैसा भी आप प्लान बनाना चाहते हैं बना सकते। तो इस तरह से पूरी ऑथेंटिकेशन प्लस कॉन्टेक्ट आपको बताए हैं हमने। अब बात की जाए अभी आपको इंटरनेट कहां से मिलेगा। जी दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमारे पास सीधा सीधा है, यही है आपके वहां पे अगर बीएसएनएल एक्सचेंज है या एग्जिस्टिंग आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वहां से आपको इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा। पहले क्या था, हमारे पास परमिशन नहीं थी भी उनका इंटरनेट लेके हम आगे बेच सकते, बट अब एज अ पीडीओ हम इसको बेच सकते हैं। चाहे आप बेशक सिम वाला इंटरनेट लगाइए, यूज कीजिए, ठीक है, और आगे बेचना शुरू कर दीजिए, या फिर आप एक एग्जिस्टिंग आईएसपी से इंटरनेट कनेक्शन लेंगे बड़ा और आगे से जो है दूसरे लोगों को एक छोटा प्लान या बड़ा प्लान जैसा भी आप अपना शेयर करना चाहते हैं प्लान बना के प्रॉपरली इसको बिजनेस के रूप में ला सकते हैं। और गवर्नमेंट ने एक्चुअली में ज्यादा से ज्यादा वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया और ये वैसे तो बहुत सालों से जो है चल रही है लेकिन प्रॉपरली इसकी जानकारी सही ढंग से कहीं पे भी नहीं है। तो हमें आशा है भी हमने आपको काफी अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराई है। तो एक सवाल आता है भी आखिर आप अगर पीडीओ रजिस्टर कराते तो आप उसके बाद सर्विस शुरू करते तो आपका कितना पैसा लगने वाला। यहाँ पे हमारे पास कुछ लोगों ने कॉन्टेक्ट किया था जिन्होंने पीडीओ ए से कॉन्टेक्ट करके हार्डवेयर खरीदा था, लगभग उनका 7-8 हजार से 10 हजार रुपए तक जो है एक उनका हार्डवेयर आया था जो मेन हॉटस्पॉट राउटर था जिसमें सॉफ्टवेयर था प्रॉपरली जो आगे वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और हॉटस्पॉट राउटर उसके साथ जोड़ सकते थे और मेन जो उनका सर्वर उन्होंने क्रिएट किया था एक हार्डवेयर के अंदर तो लगभग उनको 10 हजार रुपए का पड़ा था। उसके बाद आगे के हार्डवेयर जो है लगभग 3 हजार से लेकर 5-7 हजार पे जैसी वाईफाई की उनकी कैपेसिटी होगी उस हिसाब से वो ले सकते हैं मार्केट से और आगे आगे जोड़ के जो है वाईफाई जोन क्रिएट कर सकते हैं। कुछ ऐसे हार्डवेयर हैं जो ऐप प्रोवाइडर और पीडीओए ने स्पेसिफाइड किए हैं भी इस लोकेशन के लिए वो काम करेंगे, क्योंकि अगर मान लो हमने रजिस्ट्रेशन किया या हमने पीडीओए से कॉन्टेक्ट किया और वो हार्डवेयर लिया और हम अपना एरिया बता देते हैं अभी हम इस जगह पे हम इंटरनेट कनेक्शन लगा रहे हैं और इस जगह पे हम यूज कर रहे हैं तो वो चलेगा, अदरवाइज कहीं और ले जाएंगे तो नहीं चलेगा, ऐसा भी कुछ कुछ पीडीओ वाले करके दे रहे हैं। तो ये भी बात हमने देखी थी उस हार्डवेयर में, बट कुछ में तो ऐसा डिवाइस था जिसमें वो कहीं पे भी लगा दो चल रहा था, हमने यहाँ पे भी ऑफिस में चला के उसको देखा था। और बात की जाए फ्री वाईफाई की तो सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट जो है फ्री वाले जो है वो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से मतलब एक पूरी स्टोरी बन जाती है भी किस तरह से जो है हम इंडिया में कितने नंबर पे हैं हॉटस्पॉट में और किस सर्विसेज के थ्रू अगर हम अपने एरिया में अपने शहर में शुरू करना चाहते हैं ऐसी एक आईएसपी बनना चाहते हैं एक वाईफाई प्रोवाइडर बनना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोप है। आप पीडीओए की लिस्ट जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाइए देखिए उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए हार्डवेयर लीजिए और आगे से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दीजिए। और सबसे बड़ा सवाल अब आपके मन में ये रह जाएगा, ठीक है अभी एक हार्डवेयर तो आपने ले लिया, आगे वाईफाई के डिवाइसेस कैसे आप यूज करेंगे कैसे उसको सब कुछ करेंगे, तो उसके लिए आपको नेटवर्क इंजीनियर चाहिए होगा या फिर आपको नेटवर्क इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। तो उसके लिए हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो है और ये एक वीडियो हमने सिर्फ
सिर्फ टोटली पीएम वानी के ऊपर बनाई है। आप अगर हमारे से कॉन्टेक्ट करेंगे तो हम मतलब पीएम वानी के बारे में हमारे पास कोई भी और जानकारी नहीं है, इसके अलावा आप कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट अगर आप हमारे ऑफिस में फोन करेंगे तो उनको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारा जो ऑफिस का स्टाफ है वो सिर्फ हमारे जो वेबसाइट में प्रोडक्ट लिस्टेड है उसके बारे में ही जानकारी है उनको। अदरवाइज जो भी जानकारी होती है हम वीडियो के रूप में देते हैं या फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे से कॉन्टेक्ट ना कीजिएगा पीएम वानी से रिलेटेड, अभी तक हमारे पास कोई भी इसके अलावा एक्स्ट्रा जानकारी नहीं है जो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। हाँ, बेशक आप कमेंट कर सकते हैं या क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, हम जरूर जो है उसके ऊपर नई वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि एक वीडियो है जैसे हाउ टू बिकम ISP, उसमें हम ये चीज बताएंगे भी कैसे जो है एक वाईफाई से दूसरे वाईफाई हॉटस्पॉट राउटर को जोड़ा जाएगा, कैसे जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वाईफाई जोन क्रिएट किए जाएंगे, तो उसमें वो टॉपिक आ जाएगा। मतलब अगर आपका सवाल ये है ना भी कैसे जो है ज्यादा वाईफाई हम इसमें जोड़ेंगे, तो किसी नेटवर्क इंजीनियर से पता कर लीजिए या फिर उस वीडियो का वेट कीजिए। और मुझे आशा है आपको वीडियो देख के जो है काफी हेल्प मिलेगी, काफी जानकारी आपको पता लगी होगी। लेकिन अगर मेरे से कोई चीज छूट गया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।